हम आज बनाएंगे मिनी कूलर, जो बनाना बहुत ही आसान है। सीपीयू जो फैन होता है उसका मार्क ले लेंगे, और ये जो सीपीयू फैन होता है वो कहीं पे भी मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, और ये बहुत इजीली तरीके से मिल जाता है। और एक हमें एल चाहिए, जो पीवीसी पाइप का एल जो सॉकेट आता है, ये भी बहुत सस्ते में मिल जाता है। और ये हम लोगों को चार चाहिए, और इसी तरह मार्कर से चारों का नाप ले लेंगे और डब्बे को हम कट कर लेंगे, और फिर ग्लू गन के मदद से हम इसको अच्छे से चिपका देंगे और सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम एल को भी नहीं भी चिपकाएंगे तो चलेगा, हम इसको घुसा देंगे। मैं तो सिर्फ ऐसे ही डाल देता हूँ। और फिर हमें इसका इनपुट देने के लिए हमें वायर को कट करके और एक सॉकेट सोल्डरिंग करना होगा, जिससे कि हमारा 12 वोल्ट का जो इनपुट होता है वो ले पाए। और इनपुट देने के लिए एक और स्विच लगाने के लिए कट करना पड़ेगा, जिस टा वायर की, जिसे हम स्विच लगा सके ऑफ ऑन का काम कर सके। और इसको भी ग्लू गन के मदद से चिपका देंगे, फिर जिसे हम इसे मर्जी के हिसाब से ऑफ ऑन कर सके। और 12 वोल्ट का सॉकेट हम दे इनपुट दे देंगे, और ये हमारे फैन बहुत अच्छे से रोटेट कर रहा है, वर्किंग अच्छा है। फिर हम इसको ढक्कन को खोलेंगे और थोड़ा सा आइस इसमें डाल देंगे, और फिर इसको बंद कर देंगे। और आइस जितना मन करे आप उतना डाल सकते हैं डब्बे के अनुसार, और फैन को चला देंगे। और जैसे फैन को चलाएंगे आप डिग्री सेल्सियस में दिखा सकते हैं कि कितना मतलब हमारा कूलिंग कर रहा है। ये देखिए 17 तक, अभी जैसे जैसे हवा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे कूलिंग करता जाएगा।